तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम लोग आते हैं एक नई भर्ती, एक नई रिक्वायरमेंट, सरकारी हो या प्राइवेट, आपके लिए लेकर के आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक और हमने एक मोटिव बनाया है कि बिना बकवास सीधे काम की बात को लेकर के, कि हम लोग की वीडियो छोटी रहेगी लेकिन आपको सीधे काम की बात आपको मिल जाने वाली है, शॉर्ट में आपको डिटेल्स मिल जाने वाली है। तो दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती 2021 एक बार फिर से निकल के आई है। इसमें योग्यता 8वीं 10वीं पास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दोनों की पोस्टें हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, चलिए इसके लिए देखेंगे हम लोग पूरी वीडियो। और चलते हैं, पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं कि ये बिल्कुल भी फर्जी वीडियो नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियोज़ हैं। और आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको कैसे फॉर्म भरना है मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको एक शॉर्ट में डिटेल्स कि आपको करना क्या होगा। तो दोस्तों, बाल विकास की भर्ती आई हुई है 2021 की। यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 26 तारीख से भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो होगी 17/5/2021 होगी। सो दोस्तों, 26/3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 26/4 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक। तो 26/4 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 17/5 जो होगी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बिल्कुल भी फीस इसमें किसी को नहीं देने की आवश्यकता है, चाहे वो जनरल का हो, OBC हो, ST SC OBC कोई भी हो, आपको कोई भी फीस इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट की यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, तो 21 साल से 45 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होने वाली है। और यहाँ पर कौन कौन सी भर्ती आई हुई है और योग्यता क्या है वो भी बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती है, तो वो उसके लिए चाहिए, पहली तो चीज़ ये है, ओनली फीमेल कैंडिडेट चाहिए और 10वीं पास होना अनिवार्य है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर में टू टाइप्स की भर्ती है, एक आंगनवाड़ी वर्कर और एक है मिनी आंगनवाड़ी वर्कर। और दूसरी जो 5वीं पास भर्ती है वो है आंगनवाड़ी सहायिका, इसमें हेल्पर लिखा, आंगनवाड़ी हेल्पर कहलाता है, वो आंगनवाड़ी सहायिका होती है। हर एक आंगनवाड़ी में एक कार्यकर्ता और एक सहायिका होती है। तो ये कार्यकर्ताओं की पोस्ट है और ये हो गई आपकी सहायिका की पोस्ट, ठीक है। 21 साल से 45 साल की एज लिमिट इसमें मांगी गई है, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं आप इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन प्रपत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण जो अनुदेश दिया हुआ है ये सब भर सकते हैं कि चयन की कार्रवाई जनपद स्तर से होगी आपकी, जो भी आपकी जनपद है वहाँ से आपके जिला अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी आपकी जो है भर्ती उसमें करेंगे। और इसकी वेबसाइट की मैं आपको बता दूँ तो बाल विकास, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इसकी लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें जी सब दिया हुआ है कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो ये बेसिक सी चीज़ है हमारे लिए, इसको हम यस करके आगे चलेंगे। और इसके बाद ये यहाँ पे जनपद का नाम आएगा, आपकी कौन सी जनपद में है, और उसके बाद आपको कहाँ पे फॉर्म भरना है। मान के चलते हैं मैं ये कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रामीण है या शहरी, और इसके साथ शहरी कोई भी एक पद का नाम आंगनवाड़ी सहायिका देख लेते हैं अपन, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्च करेंगे, तो देखो ये ओपन होके आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड एंड एक्सेल करना है, यदि आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, पूरी सीट आएगी। और देखो ये क्या है, एक इसमें वार्ड क्रमांक 25 में एक पद है, आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जितने भी पद हैं, जितने भी ये हैं आपके अलग अलग, इधर आपको मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और ये सब भर के आपको OTP मंगा के फॉर्म भरना होगा। यदि आप हमारे वीडियो में 500 लाइक कर देते हैं तो मैं आपको भर के भी बता दूंगा कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो मान के चलते हैं आपको अलग अलग जनपद में, अलग अलग ग्रामीण शहरी के लिए, अलग अलग वार्ड में अप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, इसमें इससे संबंधित और कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसकी हम डिटेल्स में एक वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो चलिए, जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।